तो फाइनली कल तो हमारी मेहंदी की रस्म नहीं हो पाई थी, आज आज लग रही है मेहंदी। तन्नू की तो स्टार्ट भी हो गई है, दिखाना। तन्नू की स्टार्ट हो गई है मेहंदी, और लावी तो लगा भी चुकी है। कहाँ है लावी? ये देखो लावी और लावी की मेहंदी, बहुत लावी की फर्स्ट टाइम इतनी प्रिटी मेहंदी लगी है, दिखाना। मतलब लगाई है पीछे, लगाई है लावी, दिखाओ दिखाओ मुझे। देखो लावी की क्या लिखा हुआ है। अच्छा वाह, अब मेरा भी टर्न है, मेरे ऊपर ये अपना मुंह छुपा दिया शायद कि मैं ना आ जाऊँ, तो मैं भी फटाफट चेंज करके आती हूँ, फिर मेरा भी टर्न आने वाला है। गाइस देखो इधर दुल्हन आई है भाभी से नेल आर्ट करवाने के लिए, बहुत जल्दी। कल इसकी शादी है और ये आज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाविस वर्ल्ड। जैसा कि आपने देखा कि सिमरन आई है आज हमारे घर नेल आर्ट कराने, मतलब ब्राइडल आई है, फर्स्ट टाइम कोई ब्राइडल सीमा जी के पास नेल आर्ट कराने। तो इनका नेल आर्ट पूरा हो गया है, मैं ऊपर था एडिटिंग कर रहा था इसलिए मैं भी लोग नहीं बना पाया, तो तन्नू ने सीमा ने बनाया था थोड़ा सा भी लोग। तो ये देखो अभी इसका हो गया है पूरा, अभी चेक कर रहे हैं, फोटो खींच रही है, मतलब दिखा देता हूँ एक बार बैक कैमरे से कैसा हुआ है। इसका चल रहा है फोटोशूट नेल आर्ट का, सीमा नेल आर्टिस्ट ने ब्राइडल का नेल आर्ट किया है। तो भाई नेक वेक दे मम्मी, काम अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह। भाई अभी ये फोटो खींच रही है, लगाएगी अपनी इंस्टाग्राम पे, और मम्मी की मेहंदी लग रही है वहां पर, तन्नू की लग चुकी है, सबसे पहले लावी ने लगवाई, लावी जा चुकी है और मम्मी की लगा रही है मेहंदी आर्टिस्ट और यहाँ नेल आर्टिस्ट। अगर गाइस आप लोगों ने अभी रन की शादी की सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज जल्दी से जाके देखिए, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है गाइस, जाके देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं तो सिर्फ मजाक किया था, मम्मी तो सीरियस ले गई, सीरियस में शगुन दे रही है। नहीं वैसे भी देना पड़ता है शगुन को। गाइस सच में शगुन दे रही है मम्मी, देखो कमाई हो जाएगी थोड़ी सी। मैं तो सोचा मजाक मैं तो मजाक में बोला था, तो सीमा को मिल गया शगुन। बताइए शगुन होता है एक तौर से, कुछ भी दे सकते हैं। तो इनका नील आर्ट हो गया है और आज वहां बनी है बिरयानी, और हम जरूर जाएंगे, आज जरूर जाएंगे। जैसा कि आपको पता हम खाने के लिए जाते हैं वहां पे, खाने के साथ साथ मिलना जुलना भी हो जाता है, तो जाएंगे भी थोड़ी देर में, सही सब पहने लगवा रहे हैं। तो गाइस मैं अकेला जा रहा हूँ सिमरन को लेके, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत इसकी रस्में रह रही है, तो घर जाके इसको रस्म करनी है, नहाएगी धोएगी, इतने ये लोग भी आ जाएंगे मेहंदी मेहंदी लगा के। चलते हैं इसको छोड़ के आते हैं, और वहाँ पे थोड़ा इतने में चख भी लूंगा कुछ बनाया बिरयानी सिरयानी, देखते हैं। तो चलते हैं वहीं मिलते हैं सीधा। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था मैं सिमरन को लेके आ रहा हूँ, तो मैं सिमरन को लेके आ गया हूँ, और भूख इतनी लग रही थी मैंने आते ही डाल ली यहाँ पे बिरयानी, जैसा कि मैंने बताया था आपको घर पे कि यहाँ बनी आज बिरयानी, तो बाकी सब तो आते रहेंगे, हम खा रहे हैं और हमारे साथ हमारी टीम भी खा रही है, मतलब अभिषेक की टीम खा रही है, नीचे खाना खा रहे हैं, तो जगह नहीं मिली मुझे गाइस, मैं बेड पे बैठ गया, अभिषेक देख रहा है तो भाई बुरा मत मानिए, मैं बेड पे बैठ के खा रहा हूँ आराम से। तो ये लोग यहाँ बैठे हैं, और गाइस जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता लगा आज हमारे विजय जी का बर्थडे है। गाइस विजय जी हैप्पी बर्थडे, वैसे मैंने विश कर दिया था इसको पहले ही, बट आपके लिए दोबारा कर रहा हूँ, आप सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे विजय भाई, और आप लोग भी कमेंट करके विजय भाई को विश कर सकते हैं विजय भाई का आज बर्थडे है। तो ये लोग सब यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और खाना खा के आज देखते हैं कुछ डांस वांस का फंक्शन हुआ तो ठीक है, वरना सीधा जाएंगे घर खाना खा के। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, खा लेते हैं, मैं कोई बिरयानी दिखाया था आपको, बड़ी मस्त बिरयानी। तो गाइस ये है बिरयानी,
और बिरयानी खा लेते हैं और फिर मिलते हैं। और ये लड़का बार बार झाँक रहा है। हाँ भाई कैसी है बिरयानी? ओपी ओपी बिरयानी बनी है गाइस, तो मैं भी खा लेता हूँ जल्दी से और फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later, खाना वाना सबने खा लिया है और यहाँ पे इन लोगों ने केक लाके रख रखा था विजय के लिए। विजय को विशेष आ रही है बहुत ज्यादा, तो केक लाके रख रखा था इन्होंने। अभी ये ना केक काट रहे हैं, तो मैंने इनसे पूछा भाई बाद में क्यों काट रहे हो, पहले काटना चाहिए था काटना था। तो ये बंदे बोलते हैं कि मीठा भी तो कुछ होना चाहिए खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद अब केक काट रहे हैं, विजय जाते हैं बाहर, अभी आ जाते हैं तो केक कटवाते हैं इसे और दिखाते हैं आज अपने ब्लॉग के जरिए विजय का हैप्पी बर्थडे। विजय जी आ गए हैं, अब एक केक कट करेंगे तो हम दिखाते हैं आपको, फ्रंट कैमरे से दिखा देते हैं। विजय जी एकदम फुल पोजीशन में, तो गाइस केक काट रहे हैं अभी, इनको करने का कुछ नहीं है, रील वील बनाने इनको बनाने था, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। आप सबको, आप सबको हम सबके साथ मिलके बोलना है, ये जी काटोगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अभिषेक। क्या बोला तूने? जुआन पे नाम रटा हुआ है ना, इसे कल से बाबा इसे भी लिख रहा था। तो विजय जी का बर्थडे है और विजय जी ने केक काट दिया है। अरे मुंह पे मत लगा, थोड़ी लगा रहे हैं यार। और ये खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। भाई थोड़ा छोटा ही काट लेता, कितना बड़ा काट के लाया। हैप्पी बर्थडे भाई फिर एक बार फिर से आपको। चलो गाइस बर्थडे केक कट चुका, थोड़ा केक खा लेते हैं, गैस से खा लिया, थोड़ा और एक्स्ट्रा खा लेते हैं, अभी चलते हैं नीचे, नीचे जाके मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैं अभी आया था घर देखने, क्योंकि ये लोग मेहंदी लगा रहे थे और मम्मी गई है मेहंदी वाली को छोड़ने, जो इनको लगाने आई थी मेहंदी आर्टिस्ट, इन्होंने मेहंदी लगाई है काफी सुंदर। इसने लिखवाया है, इन्होंने लिखवाया है दुल्हन की भाभी। अभी दिखाऊंगा बैक कैमरे से, बहुत एक्साइटेड हो रही है। दिखाओ ना, दिखाओ ना बैक कैमरे से दिखाओ। और तन्नू ने लिखवाया है दुल्हन की बहन, लावी ने भी लिखवाया, लावी ने लिखा है आई मिस यू। लावी का दिखाऊंगा, लावी धोली मतलब उसकी जैकेट दिखा दूंगा आपको। अब इनकी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। जैसा कि आपने देखा इन्होंने लिखवाया है, सीधा करके दिखाओ जरा, दुल्हन की भाभी। ये देखो दुल्हन की भाभी लिखवाया है और ये तन्नु है, तन्नु ने लिखवाया है दुल्हन की बहन, दुल्हन की बहन। पूरे हैशटैग के साथ चल रहे हैं गाइस ये, और ये बैक की भी देखो हमारे ऐसे। तो गाइस अब मम्मी आ गई है और अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि आज लास्ट दिन है संगीत का, लेडीज संगीत का टाइम भी सारा। वैसे हम लेट हो गए बहुत ज्यादा, आज डांस नहीं हो रहा, आज लेडीज संगीत होगा लास्ट दिन है और आज उसके कंगना बनेगा। तो लेट हो गए बहुत ज्यादा, कोई काम इतना था घर में, तो कंगना भी बहुत लेट हो गया, कंगना बनेगा आज उसको दिखाएंगे उसको। मेहंदी ले ली है, सब बहुत थक चुके हैं, वो मेहंदी ले ली है, इन्होंने पैर में लगवानी है मेहंदी। चलते हैं वहाँ पे दिखाते हैं बटन कर। तो भाई हम आ गए हैं गली में, मतलब गली मतलब बोलते हैं जहाँ पे हमारे चाचा रहते हैं, वो अलग एरिया पड़ता है, इसको हम गली बोलते हैं। तो गली में आ गए हम, गली गाइस सट्टे वाली गली नहीं, गली हमारी जहाँ पे हम रहते हैं। और गाइस यहाँ पर चल रही है पार्टी, समझ सकते हो आप, पार्टी चल रही है यहाँ पर। तो गाइस हम आ गए हैं, अरे भाई दादी बैठी है, आज लास्ट डे है, ढेर संगीत होगा यहाँ पे बड़े जोरदार। और यहाँ पे आज तो आज हमने ढोलक वाली को नहीं बुलाया, क्योंकि मेरी बुआ को बहुत बढ़िया ढोलक आती है, ये मेरी बुआ है, इनको बहुत बढ़िया ढोलक आती है, तो आज ये ढोलक बजाएंगे। वही लड़की बैठी देखो, ये डांस करती है बहुत खतरनाक, जैसा कि आपने देखा बहुत ज्यादा।
ऊपर भाई ब्रेड लगाइए सिमरन देखो क्या मजे से लगवा रही है। तो गाइस देखो दोनों जने ही अकेले लगी हुई है, बाकी सब देखो बैठे आराम से, ये दोनों जने गाने में लगे हुए हैं बस। यहाँ पे मेरा भाई उकील आया दादी के लिए और मेरी चाची भी आ चुकी है। चाची के बटन नीचे किसी का पैर तो नहीं है देखे भाई, कहीं आज भी किसी का पैर टूट जाए। मैं कह रहा हूँ आज है तो नहीं बैठा लो भाई, मैं बता रहा हूँ सही बात है। अभी भी आ गए बच्चे देखो। अरे भाई ये क्या भाई कहाँ जा रहे हो, आओ ना बैठो थोड़ा सा। गाओ गाओ गाइस देखो यार टाइम पास हो रहा, गाना वाना गा नहीं रहे ये लोग। गाओ गाओ, ये बहुत पैसा पैसा करती है हमारी दादी। ये देखो गाओ 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 गाओ। गाइस यहाँ पे देखो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है। ये देखो अपनी धुन में ही मगन है, यहाँ पे आधे से ज़्यादा बंद टाइम पास नहीं हो रहा है इनका, कोई गाने वाने ही बंद हो गए अब। ये बंदा कुछ कहना चाहता है। हाँ जी विशाल भाई, अरे भाई गाना वाना बज गया, घर घर खेलो। ये पैकिंग हो गई है इनकी, तो ये भाई बोला घर घर खेलो, पैकअप हो रहा है, थक गए आज ये बहुत सब। मैं उठूंगा सीधा शादी के टाइम पे, कोट पहन के कल उठेगा ना धोगे तैयार होके कोट पहनेगा फिर सोएगा है ना भाई। कंटेंट के लिए कुछ भी करोगे भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये भाई। सुबह उठेगा नहाएगा धोएगा कोट पहनेगा फिर सोएगा आप सोचोगे भाई ऐसे मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था
क्रिस आर्टिस्ट ने कलर भरने थे, कलर भर दिए गाइस। और ये बंदा देखो अब मेहंदी लगा रहा है, तो मेहंदी आर्टिस्ट भी है ये और मेकअप आर्टिस्ट भी है और ये ऑलराउंडर है। देखो इसने यही बनाया सब, अभी लगा रहा है, कंप्लीट होने वाली है। पैरों की मेहंदी लगा दी है, ठीक ठाक ही लग रहा है, डिजाइन बढ़िया बनाया है बंदे ने। क्या आप संतुष्ट है? हाथों के भी अगर पता होता तो मैं हाथी के भी इससे लगवा लेती ना। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत बिजी था ये, बहुत लास्ट में नंबर आया गाइस। ये देखो सब जा चुके हैं, गीत संगीत खत्म हो गया है और ये लास्ट में सीमा का नंबर आया है, बिल लगवा रहे हैं। और देखो लड़की काम कर रही है, देखो ये सब मेहंदी इकट्ठी कर रही है, लगाई दिए सब मेहंदी लगी थी सबके सुख के। हो बहुत काम कर रही है। यहाँ देखो थकान, ये देखो थकान, ग्लो नहीं आएगा ना सही से, नहीं सोओगे तो जब भी तो सोने का होगा, मैं तभी तो चाह रहे सोना। वो मेकअप आर्टिस्ट का एक है जो हमारे उसको कवर ना कर सके है कि नहीं? ओ भाई सही बात, थकान का थोड़ी क्लोजअप की ऐड करने के लिए थोड़ा कह रहे तुम्हें, कोई कोई बात नहीं, देख लो दादी तो कर रही है। तो गाइस आज का कार्यक्रम खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं घर। देखो सब जा चुके हैं अपने अपने घर और हम भी जा रहे हैं। गुड नाइट सबको, गुड नाइट, कल मिलते हैं, गुड नाइट, कल मिलेंगे।